नितिन जी गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री भारत सरकार, आपसे निवेदन है कि आप समाज को मार्गदर्शन करेंगे। हमारे पूर्व नागपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णाभाऊ खोपड़े, हमारे प्रभाग के नगर सेवक प्रदीप पोहाणे जी, श्री नरेंद्र बघेल जी, सिन्हा जी, हमारे आयोजन कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, गुरु घासीदास जी सतनामी समाज की और मानव उत्थान ट्रस्ट की ओर आज हम परम पूज्य गुरु घासीराम बाबा जी की 266वीं जयंती समारोह को मना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में सत्य ही मानव का आभूषण है यह बात कही है। मनखे मनखे एक समान, और ये जो सत्य की भावना है अपने जीवन में, हमें सबको परम पूजनीय गुरु घासीदास जी बाबा जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके अनुरूप चलना ही उनमें उनको सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अनेक दिनों से यहाँ के अनेक लोगों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हूँ। जब 24/7 24 घंटे पानी देने की योजना की शुरुआत नागपुर में हुई, तो पहली बार अगर 24 घंटे पानी देने का काम अगर कहीं शुरू हुआ तो मिनीमाता नगर में हुआ, डिप्टी सिग्नल में हुआ। कृष्णा जी के आग्रह पर रेलवे के लिए अंडरब्रिज बनाने की बात थी, वो भी काम यहाँ किया गया। जहाँ तक आपने जो बात कही है कि ये जो जमीन है जहाँ पर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का एक प्रकार से हम सबके लिए एक प्रार्थना का एक जगह बनी हुई है, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जगह से आपको कोई दूर नहीं करेगा। ये जगह पर आपका जिस प्रकार से आज अधिकार है वैसा ही अधिकार बना रहेगा। कृष्णा बाबू ने कुछ पैसे दिए हैं और मैं नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से यहाँ का सौंदर्यीकरण की योजना बनाकर पैसा खर्चा करके इसके पूरी देखभाल करने के लिए आपकी संस्था को सौंपूंगा। आप मालकी हक से अपने नाम के करने के लफड़े में मत पड़ो, अगर पड़ेंगे तो इसका खर्चा और आगे ये कानूनी बहुत लंबा प्रोसीजर है, पर एक बार आपके हाथ में आने के बाद आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसमें कृष्णा बाबू, मैं, प्रदीप पोहाणे जी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि आज परम पूज्य गुरु घासीदास जी बाबा जी का जो विचार दर्शन है, जो मार्गदर्शन है, वो मानवता के लिए बहुत प्रेरक है। हम अक्सर एक बात कहते हैं, थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान वावे हाच सापडे बोध करा। यानी जो थोर महात्मे होकर गए हैं, थोर महात्मे जो होकर गए हैं उनका चरित्र महान है, और उनके जैसा हमने बनने की कोशिश करना ही उनको सही अर्थ में आदरांजलि और श्रद्धांजलि है। मैं आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबको समृद्धता दे, संपन्नता दे, सुरक्षित जीवन दे, और आप सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद वो आप सबको और मुझे भी दे। हमारी संस्कृति में कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, हम यही बात कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हमारे गुरुजी, हमारे गुरु घासीदास जी या कोई भी गुरु ये नहीं कहता कि पहले कल्याण मेरा करो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण करो, मानवता का कल्याण करो, समाज का कल्याण करो, यही भाव हमारे विचारों में है, और उसके ही अनुरूप हम समाज की सेवा करते रहेंगे। सुख दुख के साथ समाज की सेवा करते हुए समाज को प्रगति और विकास की ओर लेकर जाएंगे।
भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और सबको सुखी समृद्ध और संपन्न जीवन देने का प्रयास करेंगे। यही हम सब लोग मिलकर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं छत्तीसगढ़ भी जाने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ के रोड को मैंने ऐसे बना दिया है कि आप जब जाओगे तो आपको लगेगा जैसे रोड के ऊपर हवाई जहाज जैसे बैठकर आप चल रहे हैं। कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने मेरे बहुत आभार व्यक्त किए क्योंकि उन्होंने गोबर से पेंट बनाकर अपने सरकारी बिल्डिंगों के लिए वो मैंडेटरी किया। हमारे गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करते हुए हमारे युवाओं को विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा अच्छी पढ़ाई देकर हम सबके जीवन में परम पूजनीय गुरु घासीदास जी बाबा जी के आशीर्वाद से सुख समृद्ध और संपन्नता रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं उनके चरणों में अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।